नमस्कार दर्शकवृंद, सिंदूर नाथ में अपने सब बहुत बहुत स्वागत है। अभी आइए, पत्रकार सब के चुनाव संपन्न भेल पूरे देश भर में। वही बीच में जनकपुर में उद्योगी व्यापारी सब के सेहो चुनाव लागल अवस्था है। ऐसे इनके मतदान छे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के। आई पे बहुत रास पोस्ट सब पर बहुत रास उम्मीदवार सब अपन अपन दावेदारी प्रस्तुत कलखिन, अपन अपन नॉमिनेशन दिलखिन। वही क्रम में तब वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, वही पे दूटा उम्मीदवार सब अपन अपन उम्मीदवारी दिलखिन। वही में से एकटा उम्मीदवार जे चर्चा परिचर्चा छे सुरेंद्र भंडारी जी, जे वर्तमान में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष सेहो छथिन, हुनका से बातचीत करे ला हम सब उपस्थित छी। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपने सब छोटकरी में बुझे तो उद्योग वाणिज्य संघ के वर्तमान अपने उपाध्यक्ष छी, कनिक अपने परिचय की पृष्ठभूमि से अबे अपने, कोन कोन राज संस्था सबसे जुड़ल छी, उद्योग वाणिज्य संघ में केहन केहन अपने के हाल तक के सफर केहन केहन रहलैय, अपने की उम्मीदवारी मतलब वरिष्ठ उपाध्यक्ष में कोन कोन मतलब तरीका से कते दिन उद्योगी व्यापारी सबके साथ काज कर के आई स्थान पर पहुंचली जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष में अपनी उम्मीदवारी देने दिए के निर्णय के लिए। नमस्कार, हमर नाम सुरेंद्र कुमार भंडारी भेल। हम विगत में 15 वर्ष से जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के 15 वर्ष से सदस्यता ले छी, और पहिल संस्था जे हम संस्थागत काम करी वो 2055 साल में स्थापना कर रही गणेश युवा कमेटी, वही के 2060 साल में हम अध्यक्ष रही, 2060 से लेकर 65 तक हम अध्यक्ष रही। उसके बाद जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में हम सदस्यता ले ली, सदस्यता ले लगे 3 वर्ष बाद हम जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में कार्यकारिणी सदस्य के उम्मीदवारी दे ली। वही में एक उद्योगी व्यवसायी सबके सहयोग से हम विजय प्राप्त कैली, एनाहिती सचिव में भी उम्मीदवारी दे ली, ओहो में विजय प्राप्त कैली। पहले कार्यकारिणी सदस्य रहली जी, पहले कार्यकारिणी सदस्य, ओहिके बाद सचिव, ओहिके बाद उपाध्यक्ष में भी उम्मीदवारी दे ली। तो उद्योगी व्यवसायी सबके माया स्नेह से भी हम उपाध्यक्ष मतलब विजय प्राप्त कर। अब वर्तमान में अभी जे जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ में होय वाला जे 28 गति के चुनाव में हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लागी उम्मीदवारी देले छी। जी जी, तो साथे आइए के उद्योगी व्यवसायी के कार्यकारिणी सदस्य लेके अभी तक में काम के क्रम में कहबे तो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ में अहाँ जीत के जब तो हरेक पोस्ट के अपन अपन एगो कैटेगरी छुटी आये जो उपाध्यक्ष के ही काम कर्तव्य है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के ही काम कर्तव्य है, महासचिव के ही काम कर्तव्य है, अध्यक्ष के अपन काम कर्तव्य है। जितला के बाद सबके अपन अपन काम कर्तव्य बांट फाट देते जी। तो वही क्रम में अभी जो हम वर्तमान में उपाध्यक्ष छी, तो हमर काम छले यहाँ के जो उद्योग वाणिज्य संघ के जो हॉल है अपन भवन, वही भवन के व्यवस्थापन, ओकर व्यवस्थापन, संवर्धन, संरक्षण। तो वही में अभी जो उद्योग वाणिज्य संघ के जो हॉल है वही हॉल में अभी देखो बहुत सुंदर, जरा बुझाया जाना पूरे में इन हॉल इतने व्यवस्थित इतने सुंदर नहीं होते, और 35 लाख रुपया अभी भी हॉल के लागे छुट्टियां रखाए से काम करे के लागे, ये नया कार्य समिति जी जीत के होते तो काम होते। और साथे जिना वरिष्ठ उपाध्यक्ष के काम रहे विगत में अपने के भंसार भैट ई काम देखे के व्यवसायी के कोनो समस्या आ गई, व्यवसायिक लेन देन वो सब समाधान करे के महासचिव के काम रहे, प्रशासनिक कोनो व्यवसाय के प्रशासनिक समस्या ले तो उस समाधान करे के, उसके बावजूद भी हमर हॉल व्यवस्थापन के जे जिम्मा छले के बावजूद भी हम ये के उद्योगी व्यवसाय के कोनो समस्या ले हॉल व्यवस्थापन के बाद भी जना विभिन्न किस्म के प्रशासनिक समस्या, वही समस्या में सबसे अग्रिम पंक्ति में रह के अपने के चर्चा परिचर्चा चल अब लंबा समय अपने व्यतीत के लिए कार्य समिति में बाजू अध्यक्ष में अपने के आवे के बड़ा परिचर्चा सब चल तो फिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मतलब एकाएक की मन में एना है ना आशीष जी, अब एक बेर हम सीधे कहब अध्यक्ष में ले जाए कोनो जरूरी ना है, काम करे के दरमियान में हम कार्यकारिणी सदस्य में सचिव में उपाध्यक्ष कोई भी चीज की कैटेगरी हुई कैटेगरी मीट करत के उद्योगी व्यवसाय साथी भाई विभिन्न संस्था के साथी सबसे सलाह करे काम के अनुभव के हिसाब से सब साथी भाई उद्योगी व्यवसायी सबके सलाह मिले,
अगला बेर अध्यक्ष में जब से तेहन वातावरण बनले तो उनका सबके बात के कदर करे हम अपन उम्मीदवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष में ही दे। अपने जे छै देखो एकटा कहब की छै जे जनकपुर में हमर ई आरोप नहीं छै, लोक सब के आरोप छै जे जातिवाद फैक्टर बहुत ज्यादा जनकपुर में काज करै छै और जातिवाद फैक्टर जे काज करै छै तो ओहि में जे कोनो संस्था में छोट पोस्ट सब में तो लॉलीपॉप देके सबके समावेशी एकटा दिखाएल जाय छै चरित्र, मुदा जे वाइटल पोस्ट सब अबै छै तो ओहि में जातिवाद फैक्टर बहुत ज्यादा हावी भ जाय छै। तो वही क्रम में अपने कतेक स्ट्रगल कर रहा छी जातिवाद वाला फैक्टर से और कते मायने रखे छी उद्योगवाणी संख्या अंदर में एना है ना जातिवाद फैक्टर कबै त जातिवाद फैक्टर कबै त अपने कहले छोट पोस्ट में लॉलीपॉप देल जाय त लॉलीपॉप के बात रहती त कार्यकारिणी में जीती ओके बाद सचिव में नहीं जीती उपाध्यक्ष में नहीं जीती त आइए के उद्योगी व्यवसायी कोनो राजनीतिक दल के चुनाव न है, ई आइए के उद्योगी व्यवसायी के चुनाव है। उद्योगी व्यवसायी अपने में एगो जिम्मेवार पर्सन है, काम करे के दरमियान में उद्योगी व्यवसायी देखे कि हमरा लागे के तत्पर रहे कतना हमरा सहयोग कर सके हम संरक्षण छी कि नहीं छी ते दृष्टिकोण से हम जाति पाति के तरफ नहीं माने छी। जाति के बात रहते तो अभी तक हम उपाध्यक्ष तक नहीं जीतल रहती, तो जाति पाति के हम व्यक्ति के बात करब तो जाति पाति के में तो कोनो एहन बाते नहि है, जाति पाति के रहते तो हम अभी तक नहीं जीतती रही गई। अही में समाज में कुछ दूसरे को पांच को एहन व्यक्ति हो सब चीज के अपन एक एंगल दिए के प्रयास करे अपन एगो गलत प्रविधि वो अपन एगो मनसाई पूरा करेला एहन सब प्लानिंग कैलक लेकिन अभी तक तो हम जाय पाए के हमरा देखा नहीं गेल नहीं देखा पड़ल। आई के अवस्था जब हम सब जे बात कर रहल छी करीब करीब बहुत अब नजदीक आई अपने के बुधवार भ गेल शनि दिन चुनाव मतलब मतदान के दिन छै तो बहुत करीब छी। एते दिन जे अपने मार्केट में भ्रमण के लिए क्षेत्र से बड़ा भ गेल तो सब जे व्यापारी सब से मिलल तो अपने के अवस्था की बुझा रहल छै आई के? अब एना है ना आई के उद्योगी व्यवसायी सब से हम जिला भर में घूम लिए, पहले तो आके बहुत डरतो नहीं छले, अभी साइबेरिया सब में भी गांव सब में भी जे 20 टा रहै छले वे 100 टा है, ओय दृष्टिकोण से हम भेटलिए आई के उद्योगी व्यवसायी सब हमरा बहुत बढ़िया आश्वासन विश्वास सुरेंद्र के जब भी कहलिए सुरेंद्र कोनो काम में पछाड़ी नहीं रहल न कहियो कोनो पार्टी देखलक न कोनो जाति देखलक तेहन हिसाब से सुरेंद्र एगो अच्छा उम्मीदवार है हमरा एगो अच्छा अवस्था बुझा रहल छै। अच्छा अच्छा अवस्था एकटा छोट सन जे हम मतलब डायरेक्ट प्रश्न जे करब अभी अपने कहलहुँ जे उद्योग वाणिज्य संघ के जे बोर्ड छै ओहिमे 3 टा पोस्ट अपने विगत में धारण कऽ चुकल अवस्था छै तऽ व्यापारी सब जे छै अपने के फेर एहि बाजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष में किया वोट देते हैं? नहीं व्यापारी सब हमरा किया वोट देते हम आगे पहिलो भी कहली अभी भी कहै छी अय के उद्योगी व्यवसायी अय उद्योग वाणिज्य संघ में जते सब के अपन अपन पोस्ट आठ बाट होय ओहि क्रम में हम अपन जे हमर काम रहे कर्तव्य रहे वैसे ऊपर भी उठ के बहुत फाजुल काज सब कैलिए व्यवसाय के कोनो समस्या पड़ल तो सबसे पड़ अग्रम पंक्ति में आगे ये उद्योगी व्यवसायी सबसे पता लगाओ, साथ ही उद्योगी व्यवसायी के लागे हमरा कहाँ की करे पड़ते भैट में होए आगे भंसार में होए बॉर्डर में होए विशेष करके बॉर्डर सबके समस्या जो प्रशासन निकाय के आ रहा है तो वही में सबसे अगाड़ी बढ़ के हम काम कर लिए तो एक वो बात हो गई। दोसर ये कि वास्तव में जो भी समस्या से दूसरे वही कोरोना लेके देखा पड़ रहा है और ये कि बॉर्डर सब बंद है जिना कस्टम में सब कस्टम में आके करीब हम पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष हीरा जी के पाला में कस्टम सबके समस्या रहे तो कस्टम हीरा जी के नेतृत्व में हम सबसे अग्रपंक्ति में रह के काम कैली तेहन रास बात सब विगत में ही यहाँ हमरा अपने ही सेंचुरी टाइम से रही पूछ ले कि यहाँ अभी उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी दे रहा छी जठी और भिठामोर के रोड के अवस्था ये उद्योग वाणी संघ कल्याणी पहल करके जी जी शायद अपने के ध्यान है कि नहीं वही नहीं पूछ ले वही क्रम में हम आगे कर रहे हैं हम एकदम पहल कर वही समय में अभी पूर्व भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ जी वही बेर में मंत्री बन भौतिक पूर्वाधार मंत्री वही बेर उनका एकदम हम भ्रष्टाचार के उद्योग वाणिज्य संघ से हम हमर मित्र गणेश जी दोनों मिलकर आए देखो भिटामोर के रोड जठी के रोड काम भेल तेहन सब व्यापारी के समस्या
जेना लॉकडाउन भेल, लॉकडाउनमे एक व्यवसायी सबके काम कर्तव्यके लागि जेना कि अहाँके फले फूल व्यवसायी होय, आलू प्याज व्यवसायी होय, विभिन्न सेक्टरके जेना हार्डवेयर व्यवसायी होय, कोनो व्यवसायी तो ओकरा लॉकडाउनमे हरेक व्यक्ति अपना अपना घरमे रहिके रहल अइ लॉकडाउनमे, ओहि समयमे हम व्यवसायी सबके समस्या पड़लै। ओहि समयमे हमर उद्योग वाणिज्य सङ्घके हम लगायत हमर टीम से विगतमे भी आओर हालसम अभी तक करिते आ रहल छी, तेहन सब वातावरणके अभी अभी जे अपने यदि अपने के विजय प्राप्त होइ छै तऽ की छै प्राथमिक एजेंडा सब अपने के? प्राथमिकता एजेंडा की दू चारि गो हम पाँच गो सोचले छी कि जे काम सब कुछ रुकल है काम करे पड़ते। पहिल चरण में आके अभी तो रिपोर्ट रे संबंधी बंद है से तो मालूम है, निर्देश की बात है, वही में पहल करे पड़ते, पूर्ण रूप से नया टीम के साथ पहल करे पड़ते। अभी कोरोना लेके भी कहीं समस्या आई है, देखा पड़ रहा है अभी तक बॉर्डर रहते खुल गए, ये अगर तो खुल जाते ये तो व्यापार फर्स्ट आ जाते, सबके आवागमन बढ़ जाते, ये तो होटल व्यवसायी सबके भी एगो बहुत बढ़िया व्यवसाय के माध्यम से खुलते। साथ ही ये एगो आलू प्याज संबंधी लगाए फल फूल के एगो विषादी परीक्षण कराए पड़े छे। अच्छा, जे अहाँके अभिन्न जटिल माय भंसार का टाइप तैयो, अच्छा विटामिन माय भंसार का टाइप तैयो, तो ओकर अहाँके नवलपुर से विषादी प्रमाणित करा के लाबे पड़े। अच्छा, तो ओकर हम एगो सोच बनेले छी कि फर्स्ट चरण में लगभग दू तीन महीना के अंदर में कम से कम जटिल में विषादी के उपलब्ध कराए मंत्रालय से बात करके सारी परीक्षण के एकटा छोट व्यवस्था मिला गया। नेपाल रेलवे जे रुकल है केकरो जते जल्दी होय एगो ज्ञापन पत्र के माध्यम से, ई तो देश के बात है तो कोनो चिकल बात न है, फिर भी ज्ञापन पत्र के माध्यम से जे काम अधूरा है उसे कम ध्यान दे, तेहन वातावरण बनाबे के सोच बनेले छी। और साथे आगे तो कहबे करलियै तो बालेश्वर में जाते ही सर्वप्रथम सबके अपन अपन काम छुटायल हम कतबो आगे कह देबे हम ई करबे ओ करबे, तो जे एगो सिस्टमेटिक वातावरण रहते ओहि हिसाब से हम हरेक सेक्टर में काम करबे। मुख्यतः ये उद्योगी व्यवसाय के पूर्ण रूप से संरक्षण करे के, खास करके नेपाल भारत से जुड़ल ही बॉर्डर से बिल कटल भी माल सबके, खास करके सशस्त्र पड़े बिल कटल माल जेना कहीं से अहाँ भी सामान जेना डीलर छी सब डीलर अहाँ दे छी नगर में, अहिए से जब ये जाए तो अहाँ के एयरपोर्ट लग बिल लगते ही अहाँ के माल पकड़ लेते, अखेर के ओकर एक ही मनसाई रहे कि बॉर्डर पारी लगते माल, केहन मनसाई सब रहेगी अहिए से जटी जाए वाला माल के, पुलगमा जाए वाला माल के, तिनकोरिया जाए वाला माल के, एहन सबके एकर एगो गर्व प्रवृत्ति जे है एकर सबके ई बहुत समस्या दे रहल है, एकरा सबके एगो रोके के सिस्टम से कतबो हमसब प्रयास कलिए तो अभी तक तो सक्सेसे भेलिए, जहाँ तक सक्सेस निकाय सक्सेसे भेलिए। अब आबे वाला दिन में सोच लै छी कि तीनों चारों सुरक्षा निकाय से बैठ के बात करके कि वास्तव में एक और कैटेगरिया लागू करके जना प्रमुख जिला अधिकारी तीनों एसपी लगाए तो भंसार और आंतरिक राज्य सरकार ले चालू के समीक्षा बैठक रह के कि जे कोई भी व्यवसाय अपन व्यवसाय करे या बॉर्डर पर करे चाहे बॉर्डर से पांच किलोमीटर इधरे करे, तो जे व्यवसाय के रहने नेपाल सरकार के टैक्स स्थिर रहते तो ओकरा काम एगो स्वतंत्र रूप से काम करे के चाहिए, उनका व्यवसाय करे में कोनो हिसाब के प्रशासनिक समस्या नहीं हो जाए, तेहन सब बात है। तो एगो हम इहो सोच बनेले छी एहनो बात सब रखब, एगो उद्योगी व्यवसायी से दू चारि गो गुनासो सुन लिए वोट मांगे क्रम में कि एगो ट्रेनिंग कम से कम व्यवसायी सबके से ट्रेनिंग कम से कम करावल जाए, कि विगत में भी क्षेत्र के वातावरण जो अभी बीच में दुकान सब बंद करने के चले गए दस दिन पहले, बहुत समय में व्यवसायी सब बहुत ही कुछ बिलिंग संबंधी समस्या हुई, तो आर्थिक राजस्व कार्य से साल में मतलब ट्रेनिंग के वातावरण बने, लेकिन ये उद्योग वाणिज्य संघ से की भेल अहाँ के हमर सब जरा उद्योग वाणिज्य संघ भेल हमसब ओकर छाता संगठन जैसे आलू प्याज व्यवसायी संघ, फल फूल व्यवसायी संघ, हार्डवेयर व्यवसायी संघ, विभिन्न होटल व्यवसायी संघ, तो इनका सबके हमसब छाता संगठन के जो अध्यक्ष रहो उनका सबके हमसब जानकारी के लिए कि आई आंतरिक राजस्व के माध्यम से और जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के कोऑर्डिनेशन से आई एगो भैट संबंधी तालीम और क्रिया कार्यक्रम की भेल। अब उनकर सबके जवाब दे रही कम से कम अध्यक्ष जी सब वो अपना सेक्टर के व्यवसाय के ओकरा सब के कोऑर्डिनेशन करके उद्योग वाणिज्य संघ उपस्थिति करा उपस्थिति करावे के, तो एहन कमी कमजोरी देखा पड़ल, तो अब एगो मनसाई रखले छी कि कम से कम अब जे छात्र संगठन के जे अध्यक्ष जी के करे छी तो शायद कुछ व्यवसाय के भी समेट के डायरेक्ट ओहन में जी डायरेक्ट और अध्यक्ष जी के थ्रू भी व्यवसाय सब के समेट के उनका सब ट्रेनिंग के वातावरण बनाए, जेना आइए के उद्योग सब
कोई संचालन करे चाहे नया उद्योग सब फर्स्ट आए चाहे तो अ जिला में उनका सबके हमारा उद्योग वाणी संघ से की सहयोग करे पड़ते उद्योग सेक्टर में हो नगर नगर पालिका में हो प्रदेश सरकार से हो केंद्र सरकार से हो हमारा सबसे जेहन सहयोग की अपेक्षा रखते हम सब सहयोग कर स्वयं विश्वास दे प्रश्न मतलब कनिक जाय नहीं है मुदा अहाँ प्रतिनिधि अपने के जे दुईटा लोग मतलब और पोस्ट सब तो बहुत रास कंपटीशन सब छै बहुत लोग उम्मीदवारी दिलखिन मुदा अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में देख रहे थे दुए गोटा के उम्मीदवारी छै तो फिर से जे प्रश्न कंपेरिजन वे में जे देखब तो मार्केट में अपने आप के काज के कते इवैल्यूएट कर रहल छी आ लोग सब कते के इवैल्यूएट कर रहल छै कते पाइब रहल छी अपने अब देखियौ आशीष जी हम दुई आदमी कंपटीटर छी में कोनो दू मत नहीं एकदम सत्य है हमर जे कंपटीटर है उ विगत में भी उनका हम एगो उद्योग वाणी संघ के हमर जे टीम है तो उनका हम कार्यकारिणी सदस्य में कार्य समिति सदस्य में मनोनीत कैले रही अच्छा हीरा जी के निवर्तमान अध्यक्ष हीरा जी के पाला में अभी वर्तमान में ललित जी के अध्यक्षता में सलाहकार में उनका मनोनीत कैले रही तो अय के उद्योगी व्यवसाय के कोनो समस्या हम दू अवधि हमरा साथे काम कैले छथि तो कोनो समस्या में व्यवसाय के समस्या पड़े पड़ल होते मतलब केहनो समस्या भंसार संबंधी हो आर्थिक राशो कार्य पथलैया संबंधी हो या प्रशासनिक समस्या हो तो कोनो समस्या में 6 वर्ष के दरमियान में अगाड़ी के फ्रंट में तो छोड़ दी पछाड़ियों अहा के देखा नहीं पड़ल हमर प्रतिद्वंदी के बात करू हम तीन चरण से छी हमरा लगे अगर अय के उद्योगी व्यवसाय के हम काम कैले हो उनका हम जे हमर दायित्व रहे हम दायित्व पूरा करले हो तो हमरा अय के उद्योगी व्यवसाय सब हमरा सहयोग करते से हमरा अपेक्षा है मतलब अपने अपने है सब मतलब दुबाजी अपने कार्यकाल में उनका अवसर देलो काज करे के जी मनोनीत देली मनोनीत में आके कतो कोनो व्यवसाय के समस्या में जहां तक बैठक के बात करब तो बैठक में भी यहां माइनट देख सके छी तो माइनट आहा देखबी तो 50% बैठक में आके उपस्थित होते अभी तो राजनीतिक बात भी बहुत आए चुनावी दरमियान नहीं लेकिन जबकि राजनीतिक बात नहीं हो चाहिए ये वो विशुद्ध एकटा व्यापारी के संगठन व्यवसाय के छाता संगठन और ये हमर उद्योगी व्यवसाय के केना संरक्षण होते से हमर काम कर्तव्य हम काम करे के दरमियान में न हम कोनो जाति देख लिए न कोनो हम पार्टी देख लिए कांग्रेस पार्टी है चाहे नेकपा एमाले है चाहे राजपा है चाहे फोरम है कोनो पार्टी कोनो जाति नहीं देख लिए हम इतने बुझलिए कि जे नून से लेके सुन तक के व्यवसाय है ओकरा समस्या पड़े ओकरा हमरा से केना सहयोग होते 24 घंटा में कखिन तो हम बुझने की हम आज से बात करके हम आके हम अपन बड़ाई करब से बात के उद्योगी व्यवसाय से स्वयं अहा पता लगा सके छी कि सुरेंद्र भंडारी काम करे के दरमियान में हम कहियो उनका खुजली होई तो हमरा उस सहयोग में नहीं रहल होत चाहे नहीं आयल होत हमरा लगे हमर कार्य समिति तीन चरण तीन अध्यक्ष श्याम साजी पूर्व अध्यक्ष श्याम साजी निवर्तमान अध्यक्ष हीरा साजी अभी वर्तमान अध्यक्ष ललित साजी तीनों से पूछे कोनो काम करे के दरमियान में सबसे आगारी हम रह के हम उद्योगी व्यवसाय सबके लागे काम कर लिए अभी वर्तमान में अय के उद्योगी व्यवसाय के हमरा पर माया से रहते तो हमरा लगे जे गति में हम काम कर लिए ओके दोबर गति में करबे से महा के विश्वास दिलाना चाहिए छे जे सुरेंद्र जी हम सब एकदम अंत अंत से अब चुनावे से सैन के त अंत में अपने जे दर्शक छथिन जे अपने के वोटर सेहो छथिन व्यापारी छथिन उद्योगी छथिन उनका की मैसेज दियला चाहब हम अय के संपूर्ण उद्योगी व्यवसाय के जिला भर के हम सर्वप्रथम नमन करेला चाहब अय अगर हम उद्योगी व्यवसाय के हम संरक्षण कैले छी हम काम कैले छी तो हमरा लागत कि सुरेंद्र काम के काबिल है तो हमरा मत दे के जिताए लागत नहीं काम के काबिल छी तो हमरा नहीं सहयोग कर अतएव कहेला चाहब जी बहुत बहुत धन्यवाद।